हेलो गाइस, आज मैं अपना इंडियन ट्रेन मोड एपीक में न्यू क्या क्या है न्यू में। तो पहले तो आपको महाराज एक्सप्रेस अवेलेबल हो जाएगा, फिर ट्रैक साउंड भी अवेलेबल हो जाएंगे जो कि LHB का अलग है और ISF का अलग रखा है। फिर आपको मथुरा जंक्शन में न्यू अनाउंसमेंट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और चौथी चीज़ है कि आपको एक न्यू फीचर मिलेगा, आपको डायरेक्ट डेटा फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको क्या करना है, Z-Archive में जाना है। पहले तो आपको लिंक को ओपन करना है, लिंक ओपन करने के बाद आपको वो वेरीफाई करके फिर आपको गेट फिर 15 मिनट का वेट करके गेट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये दो फाइल डाउनलोड आएगी, तो कोच इन्फॉर्मेशन डॉट जिप और रूट इन्फॉर्मेशन डॉट जिप। तो उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको कोच इन्फॉर्मेशन डॉट जिप कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इस पर व्यू पे क्लिक करना, अब ये पूरा जो है ना कोच इन्फॉर्मेशन डॉट जिप उसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपको एंड्रॉयड डेटा फिर कॉम डॉट हाइप्रो इंटरेक्टिव डॉट इंडियन ट्रेन सिम, फिर आपको फाइल्स में जाने का, फिर आपको असिस्ट में जाने का, फिर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देने का, ठीक है। तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर देने का, ऑल फाइल्स पे क्लिक करके रिप्लेस पे क्लिक टिक कर देने का, तो आपकी फाइल रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब ये ऑप्शन मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये फाइल हो गई है 1.32 GB की डेटा फाइल हुई है। इसके कारण मैंने कोच फाइल और रूट की फाइल मैंने अलग से आपको भी दिया हूँ, तो आपका टोटल जगह हो जाएगा 800 MB में डाउनलोड हो जाएगी पूरी फाइल, ठीक है। ये हो रहा है कोच का रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा कोच हो रहा है। फिर इसके बाद मैं आपको रूट को बताऊँ, रूट को भी कैसे करते हैं। ये हो गया 52%, 53, ठीक है, 59% हो गया, 60%, 62। फिर इसका नाम क्या बोला, रूट कैसे करते हैं इंस्टॉल, रूट में जो आपके जो भी है वो रूट में अनाउंसमेंट वो कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। और टाटा नगर वाला और खड़गपुर का जो अनाउंसमेंट वो अभी नहीं आएगा और नेक्स्ट अपडेट में आएगा, तो नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है आपको, ठीक है। चलो ये आपका हो गया, कोच का इंस्टॉल हो गया। अब वापिस आपको रूट इन्फॉर्मेशन डॉट सिप पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है, फिर इसको टैप करने का, कॉपी एंड्रॉयड डेटा कॉम डॉट हाइप्रो इंटरक्टिव डॉट इंडियन ट्रेन सिम पे क्लिक करना है, फाइल्स में जाना है, असेस में जाना है, फिर आपको यहाँ पे पेश कर देने का है, फिर आपको अप्लाई टू ऑल फाइल्स पे टिक करके रिप्लेस पे टिक करने का है। तो रिप्लेस जैसे ही करोगे तो फाइल रिप्लेस हो जाएगी आपकी रूट की भी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डेटा बच जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट देता फाइल तो आपके 1 GB ख़त्म हो जाते डाउनलोडिंग में, इसलिए मैंने आपको ये डेटा फाइल नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट आपको कोच और रूट की फाइल दिया हूँ, तो आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो कोच और रूट के मिला के आपको 200 MB का पड़ेगा करीब हम, ठीक है। मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं AP के।